स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और भाई बहुत दिन हुए ना एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेट लीग देखे हुए। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। जिसे हम लोग हमेशा स्टील टीम कहते थे उसे आज एक्चुअली स्टील टीम बनाते हैं। गेंगार को रिमूव करते हैं और डालते हैं गॉड लैक्स को। इसको मैं गॉड लैक्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इस पर बहुत बेहतरीन चेंजेस किए हैं जो आज आपको इस बैटल में देखने को मिलेगा। ऑनेस्टली जिनके अगेंस्ट हमने ये बैटल किया है ना वो ऑब्वियसली शो करने लायक बंदे हैं। ये देखो तगड़े वीआईपी, ऐसे वीआईपी जो 10 जीमूव लेके उतरते हो। डार्क्राय R7 हमारे पास है, स्कार डार्क्राय बस एक बार नॉकआउट पड़ जाए इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही स्लिप टॉक लगाया। और जैसे मेरे पास जीमूव पड़ा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉकआउट पड़ेगा, ऐसा हुआ नहीं, गया डार्क वॉइड अनफॉर्चुनेटली। पर अब मेरे को स्लिप टॉक नहीं लगाना क्योंकि वो अभी से टॉन्ट लगाएगा, उसे पता चल गया है कि मेरे पास स्लिप टॉक है तो वो यही करेगा। अब बस एक टर्न और इंतज़ार करना है क्योंकि अभी मैं उठने वाला हूँगा। इन्फेस्टेशन पड़ा, अब मैं उठ गया हूँ तो अब मैं काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ एक बार और डार्क वॉर्ड या फिर जी मूव। मैं सीधा जी मूव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डार्क वॉर्ड मिस होते हैं, चांसेस बहुत हैं उसे मिस होने के, पर जी मूव के नहीं होते। एक और बार डार्क वॉर्ड पड़ा और हम फिर से स्लीप में, पर टॉन्ट का असर ख़त्म। मैं एक और फास्ट स्लीप टॉक लगाने वाला हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक और बार डार्क वॉर्ड उसे पड़ जाए या फिर पड़ जाए नॉक ऑफ जैसे मैं तेज़ हो जाऊँ। पर स्टिकी वेव पड़ गया, ये भी सही है क्योंकि उसने स्टिकी वेव डाल दिया था और मेरे को भी डालना बहुत ज़रूरी है। स्टिकी वेव पड़ गया, फिर से टॉन्ट, हमने कुछ नहीं लगाया। अब मैं लगाता हूँ जी मूव और ये हमने लगा दिया जी मूव। अगर जी मूव हिट होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, वो स्लीप में होगा और ये हुआ भी, उसका डार्क वॉर्ड मिस और यही गेम पूरा पलट गया। जो स्टार्टिंग से मेरे को लग रहा था ना जीतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास एक R7 डाक रहा है, अब वो गया मेरे लिए, वो डेड है। अब मैं आराम से कुछ भी कर सकता हूँ। प्रॉब्लम अभी के लिए वो स्टिकी हुई है, उसे कैसे भी हटाना पड़ेगा तब जाके हमारे लिए जीतने के चांसेस होंगे। और अटैक करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है और वो है मोबाइल, और मेरे को उसे सेव करना पड़ेगा इन सबको ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले सामने उसका म्यूटू है और हमने भेजा अपने गॉड लैक्स को। हमने स्नोरलैक्स के साथ बहुत मेजर चेंजेस किए हैं, हमने एबिलिटी हटा के इसे वो एबिलिटी दिया जो स्टीलिंग्स के पास 1 हिट नॉकआउट नहीं होगा। हमने रिफ्लेक्ट दिया है पूरे टीम के लिए और तगड़ा डिफेंस हासिल किया है। मैं लगा रहा हूँ सीधा जी मूव ताकि ये मर जाए। म्यूटू में चलता था, म्यूटू हत्ते चढ़े पर कोई ना, सामने जैगयार्ड है ये भी हत्ते चढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तो रिफ्लेक्ट भी है, डिफेंस भी +2 है, अब मैं रेस्ट भी लगाने वाला हूँ और ये मैंने रेस्ट लगा भी लिया है, खत्म। अब ये ट्रैप के इफेक्ट से मर जाएगा। जैगयार्ड के पास अभी अगर इसके पास वेव्स हैं एरोज हैं तब भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर अगर नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब R2 मूव लगाया जा रहा है क्रिटिकल हिट के सहारे और रैप, ये मूव सेट मेरा भी है पर मैं बताऊँ ना ये प्रॉब्लम क्या है, 1000 arrows 1000 वेव्स के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है। एक और बार रेस्ट और हमारा गॉड लैक्स खड़ा रह गया, हिला भी नहीं, और एक्चुअली ऐसा कोई पोकेमॉन भी नहीं उसके पास जिसे इतनी आसानी से हिला पाए अदर देन टरानाटोर के, क्योंकि कुछ बार ड्रैगन डांस करने के बाद मैं भी क्रिटिकल हिट मार दे। तो अभी गया है जैगयार्ड, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा इंतजार करना है। मैं पोकेमॉन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन लाना चाहता था डार्करा को, पर सामने है टरानाटोर। अब मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से डार्करा को भेजता हूँ, क्या पता ये ड्रैगन डांस कर ले। अगर ड्रैगन डांस कर भी लेता तब भी मेरे डार्करा से स्लो होगा, पर प्रॉब्लम होगा रैपिड स्ट्रगलर और ये वही है। इसके पास हो या ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर रिस्क लेते हुए नॉक ऑफ लगा रहा हूँ, बस हिट हो जाए और नहीं इसके पास था और डेड। एक आसन पोकेमॉन है तो रैपिड स्ट्रगलर से तगड़ा डैमेज देगा ही, पर अभी भी जीत हमारे पास है। मेरे को बस थोड़ी सी किस्मत की ज़रूरत है, अगर मैं आयरन हेड लगाता हूँ और वो फ्लिंच होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मैं रॉक टूम लगा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि पोकेमॉन चेंज होगा, उसके पास एक वाटर लियो है और जितना मेरे को पता है डिफेंस प्लेयर रखा है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा वो, ये हो भी रहा है। मैंने रॉक टूम लगाया था ये सोचते हुए और वही हुआ। अब मेरे को अंदर से पड़ गया है कि जब जीमू में लगाना चाहता हूँ ये बंदा अपने लियो को भेज रहा है, अब मैं उसी बार अपने फोर्ट्रेस को भेजूंगा। अब ये वक्त है जहाँ पर मैं स्पाइक्स डाल सकता हूँ। एक R7 डाकरा यूज़र के अगेंस्ट स्पाइक्स यूज़ करना फेयर तो है, एक बार नहीं मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 बार स्पाइक्स डाल दूँ, जितना हो सके उतना स्पाइक्स डालूंगा और मैं कोशिश करूँगा फोर्ट्रेस जिंदा रहे, आगे चल के जी मूव्स वेस्ट करने में काम आएगा। उसके पास बहुत सारे जी मूव्स हैं और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही होगा। प्रेशर एबिलिटी वाला भी पोकेमॉन नहीं है मेरे पास तो कहीं ना कहीं जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा मेरे को। सामने है पालकिया, वाटर इंपैक्ट तगड़ा डैमेज दे रहा है और मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन फिलहाल के लिए है नहीं, तो बस मैंने रैपिड स्पिन लगा के अपने सलगैले को भेज दिया। रैपिड स्पिन जो लगाया ना मैंने इसी के लिए अपने फोर्ट्रेस को भेजा था कि बस एक बार रैपिड स्पिन जो क्लियर कर दे फील्ड को, बाकी मेरे को स्पाइक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार स्पाइक्स डाले और मैं डालने भी नहीं वाला, बस एक चांस मिल जाए जब मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल करूँ और पूरा साफ कर दूंगा। एक ही अटैकर हम लेके उतरे हैं और एक हमारे लिए सेकेंड अटैकर हमारे सलगैले इनकेस वो काम आ जाए तो।
नहीं तो नॉर्मली हमारा डिफेंडर ही है, पर अगर एक बार सलगैलियो का डिफेंस प्लस 3 हो गया, स्पीड प्लस 2 हो गया, बस खत्म, वो खत्म कर देगा किसी को भी। पर सामने म्यूटू है, नॉकऑफ डाल सकता है, बर्न डाल सकता है, डबल जी मूव है, खत्म करने की काबिलियत रखता है, तो मैं जल्दी से चेंज कर देता हूँ और भेजता हूँ अपने फोर्ट्रेस को। काम इसने कर दिया, अब मर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी मूव एटलीस्ट एक वेस्ट करके जाए। मेरे को लगा था जी मूव आएगा पर ऐसे कुछ हुआ नहीं, नॉकऑफ आया। मैं स्पाइक्स और एक बार डाल रहा हूँ, मैं एक्चुअली रॉक टू भी डाल सकता था पर मेरे को लगा स्पाइक्स डाल दूंगा शायद तेज़ हो जाएगा, क्या पता है ना, मतलब स्टिक वेव का असर चल रहा था, पर कोई ना। अब मैं भेजता हूँ मोबाइल को और मैं एक बार लगाता हूँ प्लेयर ऑफ, क्यों मेरे को अभी भी लग रहा है ना सलगैलियो आएगा, ऑब्वियसली जी मूव वेस्ट करने की कोशिश होगी और मैं नहीं चाहता मेरा जी मूव वेस्ट हो, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा फिलहाल के लिए। मैंने यहाँ पर एक बार लगाया प्लेयर ऑफ और वो हिट हुआ सलगैलियो को, यह अभी भी ज़िंदा है, तो मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। जब तक इसका लेफ्ट ओवर्स है मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जितना भी डैमेज दूंगा उसका थोड़ा ही तो रिकवर कर ही लेगा, तो पहले इसका लेफ्ट ओवर्स ख़राब करना पड़ेगा। गेंगार मेरे पास है नहीं, डाकरा जिंदा रहा नहीं, बचा एक ही जरिया, वो है जीलिंग्स का स्टील, ठीक है स्टीलिंग्स का जी मूव, तो बस वो हिट हो जाए, वो चेंज ना करे, अगर वो हिट हो जाता है तो काम बन जाएगा, और वो हिट हो भी गया, अब जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। मैं आराम से ड्रैगन टेल लगा के इसे बाजू हटा सकता हूँ, क्योंकि डाकराय पर हाल ही में मैंने जीमू मारा तो अभी नया स्लीप इफेक्ट है, तो दो टर्न तक वहाँ पर रहेगा, तो मेरे पास चांसेस अभी भी होंगे। मैंने ड्रैगन टेल लगाया, सामने डाकराय है, मैं जल्दी से मोबाइल भेज रहा हूँ, यहाँ पर एक ले रहा हूँ, क्या पता कब डाकराय उठ जाए, पर अभी भी एक दो टर्न बाकी है इसके उठने के, क्योंकि जैसे ही मैंने वॉइड लगाया था, मतलब जीमू लगाया था, उसने पोकेमॉन चेंज कर दिया था, तो मतलब दो टर्न तो कैसे भी रहेंगे, एक टर्न गया, एक टर्न और बाकी है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, सीधा जीमू लगा देता हूँ, अगर वो सलगैलियो भी पड़ा तो भी डेड होगा, नहीं भी पड़ा किसी और को पड़ेगा तो वो भी डेड होगा, पर मेरे को अंदाज़ा था कि सलगैलियो आएगा, ऑब्वियसली मोबाइल का जीमू उसी पर वेस्ट करने की बार बार कोशिश हो रही है, तो अंदाज़ा पड़ जाता है, और वही आया, पर अनफॉर्चुनेटली वो डेड नहीं हुआ। प्लेयर अप पे मेरे को भरोसा ज़्यादा है नहीं, तो मैं आयरन हेड लगाता हूँ, क्योंकि उस पर ज़्यादा भरोसा है मेरे को, फ्लिंच कर देता है, और वही हुआ भी, ये फ्लिंच्ड है, एक और आयरन हेड, गेम ओवर लियो का, और बाकी सारे पोकेमॉन्स भाई ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जैसे वो थे ही नहीं। स्पाइक्स डाल दिया था, इस चीज़ के बदौलत मैं टर्रानाडोर को भी वन हिट क्यों कर सकता हूँ, उसके पास एबिलिटी है तो वो काम करेगी नहीं, क्योंकि थोड़ी भी अगर उसको डैमेज पड़ जाएगा तब उसकी एबिलिटी गया। टर्रानाडोर आया, एक प्लेयर अप खाया और वो गया मतलब जैसे R7 था, R7 की भाई इज्जत ही नहीं है मोबाइल के सामने, आया और गया। नेक्स्ट पोकेमॉन म्यूटू R3, डबल जी मूव 38 आई वैल्यू वाला पोकेमॉन, और ये भी आयरन हेड लगा सकता हूँ, पर मैं प्लेयर ऑफ ही मार रहा हूँ, क्योंकि आयरन हेड पता नहीं इतना ज़्यादा डैमेज दे पाएगा नहीं, थोड़ा रिक्स ले सकते हैं प्लेयर ऑफ के साथ, मिस हो जाए तो भाई पंगा है, नहीं तो आराम से किल कर देगा। पालकी आया, इस पे अगर मिस हो भी जाता है प्लेयर ऑफ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इसीलिए मैं लगा रहा हूँ प्लेयर ऑफ, और ये पालकिया भी डेड और ये डागरा भी डेड। तो जो सोचते हैं कि बहुत पैसे होंगे, बहुत तगड़ा टीम होगा तभी आप जीत पाओगे, ऐसे नहीं है, आप छोटे मोटे टीम के साथ भी जीत जाओगे, बस सही स्विचिंग, सही एबिलिटी, सही मूव्स के साथ। नेक्स्ट हमारे अगेंस्ट कौन हुआ, तो मैंने दो बैटल्स रिकॉर्ड किया, सिर्फ दो ही बैटल्स के लिए मैंने ये मूव्स अपने पोकेमॉन्स जैसे डाले थे, और स्नोरलैक्स को डाला था, और मैं देखना चाहता क्या स्नोरलैक्स ऐसे अच्छा काम करता है। ऑनेस्टली बताता हूँ, यूज़ करने के बाद इंसोमिया एबिलिटी से बहुत लाख गुना ज़्यादा बेहतर है ये मूव सेट और ये एबिलिटी। तो अब हमारे अगेंस्ट में है ये बंदा, इसका नाम शायद FFG स्निच है, या फिर स्निच है, या फिर स्नीज है, या फिर स्क्वीज है, हमें नहीं पता, पर बंदा बंदा नहीं है, बंदा बंदी है, ये मेरे को सुनने में आया था। अभी सामने म्यूटू है तो बस टीक्यू अप डालना मेरा फर्स्ट काम था, क्योंकि उसी के लिए मैंने डाकरा रखा है, और नॉक ऑफ के लिए, ये अगर दो चीज़ें हो गई तो मेरा काम बन गया। इससे पहले वाले बैटल्स में आपने देखा इस टीक्यू अप क्या कर सकता है, R7 बंदे को खा गया, ऐसे खाया जैसे वो कहीं था ही नहीं, एक ही पोकेमॉन खा गया, तो वही सोचते हुए यहाँ पर भी हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। पर प्रॉब्लम यह है, बंदा है HP यूज़र और यूज़ कर रहा है ट्रिक रूम, तो इससे क्या है ना, तो स्पीड भी है, HP भी है, बस कुछ समय के लिए, कुछ देरी वक्त के लिए, अगर आप उतने देर तक उसे रोक लेते हो तब ये किसी काम का नहीं है। मेरे पास रोकने के लिए बहुत तगड़े पोकेमॉन्स है, स्टीलिंग्स है, अभी गॉड लैक्स हमने ऐड किया तो ये भी है रोकने वाला, रिफ्लेक्ट जी मूव तगड़ा इफेक्ट देता है, रिफ्लेक्ट हमने लगा लिया है। रिफ्लेक्ट से क्या होता है, 4 से 5 टर्न तक आपकी पूरी टीम का डिफेंस डबल हो जाता है, डबल नहीं, एक वॉल क्रिएट हो जाती है जो बहुत बेहतरीन डिफेंस आपके टीम को प्रोवाइड करती है 4 से 5 टर्न्स के लिए। तो आप इससे अगर मास्टर कर लेते हो, मतलब रिफ्लेक्ट लाइट स्क्रीन को यूज़ करना मास्टर कर लेते हो, तो ये बहुत 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 प्रो बना देते हैं आपको। अभी सामने म्यूटू है, ट्रैप इफेक्ट पड़ा है उस पर क्योंकि हमने जीमू मारा और वो हत्ते चढ़ा है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बाइट इस्तेमाल कर सकता था, पर मैं यहाँ पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं फिशर पर फिशर मारे जा रहा था कि हिट हो जाएगा, हालांकि मेरे स्नोरलैक्स के फिशर हिट नहीं होते, अगर हिट होने पर आते हैं तो सारे हिट हो जाते हैं, अगर ना होने पाए तो एक भी हिट नहीं होता है, और वही सिनेरियो आज चल रहा है मेरे साथ।
एक भी हिट नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट में बाइड पे ही अपना हाथ डाला और बाइड ने ही म्यूटू को ख़त्म कर डाला। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा ना बाइड, अब ये मरेगा म्यूटू। हालांकि मेरे को बाइड पहले इस्तेमाल करना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। अब रिफ्लेक्ट का भी असर ख़त्म हो गया और उसे गिनती की होगी तो ये आएगा, अभी ये आया गार्चोंग। ऑब्वियसली यही उसका पोकेमॉन है जो आराम से मार सकता है, ये और लैंड्रस, तो यही दो पोकेमॉन है जिससे मुझे बच के रहना है और इसने ख़त्म कर दिया। हो वो भी मार सकता था, पर हो क्यों नहीं भेजा गया मेरे को नहीं पता। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से भेजता हूँ फोर्ट्रेस, क्यों रैपिड मेरे को डाल देना है यहाँ पर स्लैथरॉक्स। स्लैथरॉक्स इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसके पास एक हो है, तो मेरे को उसको भी डैमेज देना, ऊपर से आधे से ज़्यादा पोकेमॉन उसके फ्लाइंग टाइप है, तो सबको कैसे ना कैसे तो डैमेज देना ही है, उसके लिए मेरे को स्लैथरॉक्स ही डालना अच्छा लग रहा है, तो मैं बस वही डालता हूँ। बाकी मेरे को लगा कि शायद क्विक लो फंक्शन करेगा और मैं एक दो बार स्पाइक्स डाल पाऊंगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि उसका गार्चोंग है फुल फॉर्म में, अब मेरे को उसको रोकने के लिए मेरे पास कोई पोकेमॉन है नहीं, तो मेरे को एक पोकेमॉन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वह है स्टीलिंग्स। इधर मैं चाहता था सलगैले को भेज सकता था, पर जीमू लेने के बाद ट्रैप में भी आ जाएगा, इसका आर्टू मूव भी डैमेज मतलब डिफेंस डाउन करता है, उससे भी प्रॉब्लम होता, तो मेरे को अपने स्टीलिंग्स को जाने देना पड़ा। ट्रैप इफेक्ट की वजह से एग्जैक्ट एचपी तक पहुंच गया पोकेमॉन, मतलब डैमेज, नहीं तो आराम से स्टीलिंग झेल लेता और बस आता तो बेल भी देता। अब हो पर मैं डायरेक्ट जीमू मार रहा हूं क्योंकि इसकी एचपी बहुत डाउन हो चुकी है, तो इसे ख़त्म कर देना ईजी है, ज़रूरी है। हालांकि ये जीमू मैं बचाना चाहता था उस लैंड्रस के लिए या फिर सलगैलियो के लिए, क्योंकि उसे नॉकआउट मार के मैं डार्क बोर्ड से भी मार सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर जीमू वेस्ट कर दिया। अब मैंने भेजा है, अब मेरे सामने है मोबाइल, तो मैं आयरन हेड लगा रहा हूँ क्योंकि और कोई पोकेमॉन अगर मैं भेजूँ तो शायद टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ पर रिस्क लेते हुए आयरन हेड लगाता हूँ। आयरन हेड फ्लिंच करता है काफ़ी बार, तो इसका फ़ायदा उठाना बनता है, और ये हुआ भी एक और आयरन हेड, पर इस बार फ्लिंच नहीं हुआ, तगड़ा डैमेज हमें पड़ा और अभी भी हम जिंदा हैं। एक और आयरन हेड, ये मोबाइल पक्का डेड होगा और मैं चाहता हूँ ये जैसे तैसे जल्दी से मर जाए। मोबाइल डेड है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी एचपी हद से ज़्यादा डाउन है और शायद गार्चोंग आएगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ, सामने है लैंड्रस। मेरे पास आइस पंच होता तो इसका खेल यहीं ख़त्म हो चुका होता, जीतने के चांसेस नहीं होते बंदे के पास, पर मेरे पास वो है ही नहीं, तो प्रॉब्लम है। रॉक टूम था, इससे पहली बार मैंने जब इसे हराया था मैंने आइस पंच का सहारा लिया था और उसी ने गेम चेंज किया था, पर ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लैंड्रस तगड़ा अटैक है, दिखाता हूँ मैं आपको, हमने स्टार्टिंग से ही बल्कअप कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बल्कअप करने के बाद भी अटैक इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। एडैप्टिबिलिटी, क्रिटिकल हिट नहीं था, ऊपर से R7 है, अटैक जो है गॉड लेवल पे होता है, तो एक ही बार में सत्यानाशा कर दिया सलगैलियो का, अनवेयर की माँ की आँख कर दी एडैप्टिबिलिटी ने, क्योंकि ये गॉड जितना अटैक होल्ड करता है। तो वैसे को वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।